हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग कवर्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले माइनिंग एग्जाम्स और सभी माइनिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग वीडियोज़ डालें आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं तो पहला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पी ई टी एन इसके ऑप्शंस हैं ए पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट बी है पेंटा इथेन टेट्रा नाइट्रेट सी है पेंटा इथेन टोलियन नाइट्रेट डी है पेंटा इरीथ्रीटोल ट्राइन नाइट्रेट इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेंटा रिथ्री टोल टेट्रा नाइट्रिक नंबर टू है द ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज इसके ऑप्शन हैं ए ड्रैग कट बी है क्रोमंट कट सी है वेज कट डी है फैन कट इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेज कट क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं अब बिल्ड अ बिल्डिंग वेयर एक्सप्लोजिव एंड डेटोनेटर्स आर स्टोर इज कॉल्ड इसके ऑप्शन हैं ए स्टोर बी सेल्टर सी हाउस डी है मैगजीन जहाँ पे एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर रखे जाते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मैगजीन क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्डनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स इसके ऑप्शन हैं प्लेन डिटोनेटर बी है इंस्टेंटनेस टाइप सी है फायर बाय सेफ्टी फ्यूज डी है डीले टाइप इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंटनेस टाइप क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं द पोर्टेबल अपरेटर्स प्रोवाइड्स द करेंट नेरी फॉर फायरिंग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स इज कॉल्ड इसके ऑप्शन हैं ए डायनामो बी है चार्जर सी है एक्सप्लोडर डी है चार्जर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लोडर क्वेश्चन नंबर सिक्स अ डिले डेटोनेटर हैज़ अ डिले एलिमेंट इंटरड्यूज बिटवीन तो इसके ऑप्शन है न्यूप्रिय प्लग एंड न्यूप्रिय स्लेब बी है प्राइमिंग चार्ज एंड बेस चार्ज सी है डेटोनेटर ट्यूब एंड फ्यूज हेड और डी है फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज क्वेश्चन नंबर सेवन द ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन स्मॉल ड्रिप्स इसका ऑप्शन है फैन कट ड्रैग कट वेज कट बर्न कट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ड्रैग कट क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं द डीलेटोनेटर्स एंड नॉन डीले डेटोनेटर्स आर डिस्टिंग फिजिकली बाय इसके ऑप्शन हैं प्राइमिंग चार्ज न्यू प्रिंट प्लग द कलर्स ऑफ द लीड वायर्स और डी है बेस चार्ज इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी द कलर्स ऑफ लीड वायर्स जो लीड वायर्स कलर्स के अनुसार ही हम लोग फर्क देखते हैं डिलीट डिटेनेटर और नॉन डिलीट डिटेनेटर में डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स गिव्स ग्रेटर एडवांस पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इन टनल्स और ड्रिप ऑफ स्मॉल एरिया इसके ऑप्शन है पिरामिड कट वेज कट बर्न कट फैन कट तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेटोनेटर्स आर यूज विथ पी फाइव एक्सप्लोजिवस इसके ऑप्शन है क्रैक शॉट डिले नॉन इंसेटिव डिटोनेटर्स बी है एलुमिनियम बेस्ड लॉन्ग डिले डिटोनेटर्स सी है शॉर्ट डिले एलुमिनियम इंसेटिव डेटोनेटर्स डी है इंस्टेंटनेस टाइप डिटोनेटर्स इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रैक शॉर्ट डिले नॉन इंसेंटिव डिटोनीटर्स क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कट गिव्स ग्रेटर एडवांस पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इन टनल्स और ड्रिफ्ट ऑफ स्मॉल एरिया इसके ऑप्शन ए हैं पिरामिड कट बी है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सी है इरोमेंट कट डी है वेज कट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एरोमेंट कट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट आर द अवेलेबल डीलेन नंबर्स विथ कॉपर ट्यूब ओनली टू बी यूज विथ सॉलिड प्लास्टिंग इसके ऑप्शन हैं जीरो टू सिक्स जीरो टू टेन जीरो टू थ्री ज़ीरो टू फोर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ज़ीरो टू सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट अ शॉर्ट फायर मे फायर इन एनी शिफ्ट बाय यूजिंग अ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर इसके ऑप्शन हैं ए है ट्वेंटी बी है फिफ्टी सी है सिक्सटी डी है एट्टी तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एट्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख लेते हैं विच ऑफ़ द फॉल विंग डेटोनेटर्स आर यूज मोस्टली इन वाइल्ड एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिव इसके ऑप्शन है सिस्मिक बी है ऑर्डिनरी लॉन्ग डीले डिटोनेटर्स सी है प्लेन डिटोनेटर्स डी है इलेक्ट्रिक तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्मिक डेटोनेटर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देख लेते हैं नो ड्रिल सेल बी यूज फॉर बोरिंग अ शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउज़ अ क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट अ सेंटीमीटर ओवर द डायमीटर ऑफ द एक्सप्लोजिव कार्टेज ए इज गिवन बाय इसके ऑप्शन हैं ए जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर बी है टू सेंटीमीटर सी है थ्री सेंटीमीटर डी है फोर सेंटीमीटर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्री सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देख लेते हैं अ डेटोनेटिंग फ्यूज लाइक कॉटेक्स इज जनरली यूज इन इसके ऑप्शन हैं इन ड्रिफ्ट बी है ब्लास्टिंग इन अंडरग्राउंड कोल फेस सी है डीप होल ब्लास्टिंग डी है टनलिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डीप होल ब्लास्टिंग क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देख लेते हैं नो सॉट सेल बी फायर्ड अनलिस लेंथ ऑफ फ्यूज इज एट लीस्ट अ मीटर तो इसके ऑप्शन हैं ए जीरो पॉइंट टू मीटर बी है वन पॉइंट टू मीटर सी है वन पॉइंट फाइव मीटर डी है टू मीटर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वन पॉइंट टू मीटर क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं डिटोनेटिंग रिलेज आर जनरली यूज फॉर द पर्पज ऑफ ब्लास्टिंग इन इसके ऑप्शन हैं ए सॉलिड ब्लास्टिंग बी है क्रॉस कट सी है ओपन कास्ट वर्किंग डी है ड्रिफ्ट तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ओपन कास्ट वर्किंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देख लेते हैं द शॉर्ट फायर सेल नॉट फायर देन अ शॉर्ट इन वन राउंड ऑफ ब्लास्टिंग तो इसके ऑप्शन है ए फिफ्टीन बी है सेवनटीन सी है नाइनटीन डी है ट्वेंटी फायर इसका राइट right आंसर क्या होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ब्लास्टिंग इसके ऑप्शन हैं ए ब्लास्ट ब्लास्ट स्क्रैपर बी है ब्लास्ट क्रीम्पर सी है ब्लास्टोमीटर डी है टैचोमीटर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्लास्टोमीटर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देख लेते हैं टू डील विद द मिस फायर्स आ रिलीविंग होल सेल बी सो प्लेस दैट एट नो पॉइंट सेल इट बी नियर दैन सेंटीमीटर फ्रॉम दिसर्ड होल इसकेमीटर बी है सेवनटीन सेंटीमीटर सी है थर्टी सेंटीमीटर डी है थर्टी फाइव सेंटीमीटर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी थर्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन विच रेगुलेशन ऑफ सी एम आर नाइन से प्रोविजन ऑफ डीलिंग विदर्स तो इसके ऑप्शनस है ए वन सिक्सटी सिक्स बी है वन सेवेंटी सेवन सी है वन एटी एट डी है वन नाइन्टी नाइन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वन सेवेंटी सेवन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डेक लोडिंग इज़ वेरी यूजफुल वेन डेक लोडिंग कब बहुत यूजफुल होता है तो इसके ऑप्शन है ए है स्टाटा कंसिस्ट ऑफ फायरेबल रॉक्स बी है स्टार्टा कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स सी एस सीम वाटर बियरेंस इज हाई डी है ऑप्शन नंबर बी स्टार्टा कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देख लेते हैं ट्वेंटी फोर है पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन है मफलिंग बी है प्राइमरी ब्लास्टिंग सी है क्लेस क्ले कैपिंग डी है सेकेंडरी प्लास्टिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी प्लास्टिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वन स्टीमिंग इज इनसफिस देन देयर इज अ चांस ऑफ इसका ऑप्शन है ए है हाई पावर फैक्टर बी है ब्लोन आउटसॉट सी है एक्सेसिव वाइब्रेशन डी है ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्लोन आउट उटसॉट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देख लेते हैं वेन एक्सप्लोजिव चार्जेज इन अ होल इज सेपरेटेड बाई एयर गैप्स इन स्टेट ऑफ स्टीमिंग मटेरियल, देन द प्रोसेस इन ओन एस इसके ऑप्शन हैं डेटोनेटिंग बी है प्राइमिंग सी है एयर डेकिंग डी है डेक लोडिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एयर डेकिंग चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन इफिशियंट ब्रेकिंग ऑफ रोक इसका ऑप्शन ए है टाइप ऑफ एक्सप्लोडर बी है करेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव सी है प्रॉपर स्टीमिंग डी है करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पर होल इसका सही उत्तर है ए टाइप ऑफ एक्सप्लोडर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन अंडरग्राउंड कोल माइन इसके ऑप्शन है सोलिजेक्स यूनिजेक्स बी है गन पाउडर प्लस लॉक्स सी है एस जी एट्टी परसेंट डी है पोलर एजेक्स तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सॉलीजेक्स यूनिजेक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिशियन इज प्रेफर्ड इसके ऑप्शंस हैं ए डायरेक्ट एंड इनवर्स बी है स्प्लीट सी है इनवर्स डी है डायरेक्ट तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इनवर्स और आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्टी है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर डीप होल ब्लास्टिंग इसके ऑप्शन हैं ए है लॉक्स बी है सॉलीजेक्स सी है एस जी 80% परसेंट ओ सी जी एन एन फो और डी है ओ सही प्लस एन है ऑप्शन नंबर सी एस जी OCG परसेंट ओ एन फो तो आज का ब्लास्टिंग चैप्टर पार्ट वन यही समाप्त करते हैं हम लोग अगले पार्ट में और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जिन प्रश्नों का उत्तर हमने नहीं दिया उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने माइनिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ माइनिंग कवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने माइनिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और माइनिंग ग्रुप्स में और तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद